बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाय द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट काइंड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो इक्वेशन दोस्तों बहुत ही आसान है बनाने के लिए, तो ये जो हम आज यूज़ करना सीखेंगे तो ये सब वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। हमने इक्वेशन को सिलेक्ट किया दोस्तों, ये हमारे सामने इक्वेशन बॉक्स आ गया दोस्तों। अब देखते हैं, वो सबसे पहले हमें दिए गए इक्वेशन टूल, ये इक्वेशन टूल में जो है डिज़ाइन है दोस्तों, डिज़ाइन के अंदर ये आप देख सकते हैं कि हमें काफ़ी फंक्शन है ये टूल दिया गया है कैटेगरी में, उसके बाद सिंपल कैटेगरी है और ये जो है हमारे पास ये इक्वेशन स्ट्रक्चर है दोस्तों। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन में क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है इक्वेशन के दोस्तों, बिल्ट इन इक्वेशन है। आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमें बिल्ट इन दी गई है, हम जस्ट ये हमारे डायलॉग बॉक्स में हम जो भी इक्वेशन लिखेंगे दोस्तों हम डायलॉग बॉक्स के अंदर लिखेंगे। अब ये डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट हुआ है दोस्तों, उसके में से हम ये लिखना चाहते हैं, ये कोई भी लिखना चाहते हैं, बिल्ट इन दी गई है हमें, देखते हैं काफ़ी ज़्यादा है। देखें इस तरह के एरिया ऑफ सर्कल दिया गया है, बाइनोमियल थ्योरम दिया गया है, हमें एक्सपेंशन ऑफ सम दिया गया है, उसके बाद ये हमें काफ़ी पाइथागोरन थ्योरम और क्वाड्रेटिक फार्मूला काफ़ी ज़्यादा हमें ये बिल्ट इन दी गई है, आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा आप कोई चाहते हैं तो हम यहाँ से मोर हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल हो तो हम इसमें से ऑफिस से और निकाल सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों उसके बाद हम इसमें से कुछ यूज़ करके देखते हैं, जैसे कि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला चाहिए, हम इस पर जस्ट क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। अब हम चाहते हैं कि हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो हम दोस्तों यहाँ पे नहीं लिख सकते, हमें जो कर्सर है इसमें एंड पे लाना होगा, या हम अपने कीबोर्ड की मदद से ला सकते हैं या अपने माउस की मदद से। अब ये एंड पे आ गया, हम जस्ट एंटर प्रेस करेंगे तो अब हम अगली इक्वेशन लिख सकते हैं। हम वापस से इंसर्ट में जाएंगे और दोबारा इक्वेशन में जाते हैं और इक्वेशन आपके सामने आ गई, आप इसमें से लिखना चाहते हैं। आप हमारे सामने देखें बिल्ट इन दी गई हमें, ये है, हमने इसको सिलेक्ट किया दोस्तों, ये आ गई। अब दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह हमें इक्वेशन लिखनी थी कि जिसके यहाँ पे ये एल नहीं था, यहाँ पे टू था, तो दोस्तों ये बिल्ट इन लिखी गई है, अब हम इसको चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो हम इसको जस्ट सिलेक्ट करेंगे, देखें अभी हमने बॉक्स को सिलेक्ट कर दिया, ये एल था, हमने इसको बैक स्पेस से ख़त्म किया, ये बॉक्स खाली हो गया, एल ने अपनी जगह छोड़ दी दोस्तों। उसके बाद हम इसको फिलअप करेंगे, देखें हमने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद हम यहाँ पर लिखना चाहते थे टू, हमने इधर टू प्रेस किया तो ये हमने अपनी इक्वेशन टाइप कर दिया। हमें नेक्स्ट इक्वेशन पे जाने के लिए हमें दोबारा एंड पे कर्सर लाना होगा, ये भी सिलेक्टेड है तो ये काम नहीं करेगा, हमें दोबारा एंड पे लाना होगा, ये भी हमारा एंड पे आ चुका, हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम अगली इक्वेशन देख सकते हैं दोस्तों।